अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ आपकी दोस्त राबिया तसव्वुर। तो ये है आज का मेरा व्लॉग गाइस। सबसे पहले मेरे चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, मेरा व्लॉग पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है गाइस। और आज का व्लॉग हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे कि आप ये सूट देख रहे होंगे लोन का, ये 3 पीस। तो गर्मियाँ हैं और कुछ मैं भी माशाल्लाह मोटी होती जा रही हूँ, तो मुझे अपने लिए कुर्तियाँ सीनी थी, तो मैंने ये कुर्ती इस टाइप की काटी है। तो काट के तो रखी हुई थी, कब से इसकी बेल नहीं लाई थी, तो इस टाइप अब मुझे इसको सीना है। तो आज मैं आपके साथ जो है ना इसकी स्टिच शेयर करूँगी, ठीक है। सिलाई मैंने इसका गला काट दिया, मैं अब इसको सीने जा रही हूँ। इसका बैग है और ना फ्रंट, ये इसकी स्लिप है। स्लिप मैंने थोड़ी अम्ब्रेला टाइप की रखी है। तो चलें बस अब इसकी सिलाई जो है ना आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसको किस तरह सी रही हूँ। इसकी बेल लेकर आई हूँ, यही पड़ी हुई है। बेल लगाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे गाइस ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको आज का मेरा ये ड्रेस कैसा लगा। और जब मैं इसको सी लूँगी तब भी मैं आपके साथ इसका फाइनल लुक शेयर करूँगी, जब पहनूंगी तब भी दिखा दूंगी, वो तो आप देख ही लेंगे किसी न किसी व्लॉग में। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मेरे साथ बने रहिएगा गाइस, कहीं मत जाइएगा, ठीक है। तो दिखाती हूँ मैं आपको इसकी सिलाई, अभी मैं सी रही हूँ, ठीक है। गाइस यहाँ पे मैं गले की तुरपाई कर रही थी और उसके बाद मेरी तबीयत रह रह के ख़राब हो रही थी, तो मैंने रेस्ट कर कर के ये फ्रॉक कंप्लीट की है। तो गाइस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा, मेरी कुर्ती कैसी लगी। और इसकी शलवार मैंने सादी ही सी है, इसका दुपट्टा है उस पर पीको करवाऊँगी, तो फिर कहीं ना कहीं पहनेंगे तो फिर आप देख ही लेंगे। तो इस पर मैंने बेल लगाई है स्किन कलर की, और मरजिंडा कलर की मैंने इसके जॉइंट पे बेल लगाई थी। तो आगे आगे आप देखते रहिएगा फ्रॉक, इंशाल्लाह आपको लाजमी अच्छी लगेगी ये कुर्ती। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें गाइस, और मुझे दुआओं में भी याद रखा करें, और ना कमेंट्स करते रहा करें, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर दिया करो। और मेरा चैनल मेरे ब्लॉग ना अपने किसी ना किसी अजीज़ों के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे सिलाई के व्लॉग भी दिखाऊंगी। ये भी मैंने सिलाई का बनाया था, तो इसकी कंप्लीट सिलाई का मैं बना नहीं सकी क्योंकि मेरी तबीयत बीच बीच में ख़राब हो रही थी। तो मैं रेस्ट कर करके ये मतलब मैंने बस सूट कंप्लीट किया है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इसकी फिर आगे सिलाई की जो है ना वीडियो नहीं बनाई। तो चलें फिर देख, यहाँ पे जो है ना ये इसके गले पे मैंने बेल लगा ली है, और इसकी साइडों में भी मैंने चुन दे दिए हैं। कमर की साइड पे ये मैंने यहाँ पे जॉइन लगा के चुन दे दिए थे, तो इसके ऊपर अब मैं बेल लगाऊंगी। चारों साइड पे दे दिए, मतलब इस साइड पे ही देख सकते हैं आप, मैंने प्लेटें डाली हैं, कितनी सफाई से डाली हैं। और ये कुर्ती इस तरह से जो है ना बलोची स्टाइल, ये बहुत प्यारा लगता है लोन के, गर्मियों में ये पहनने में बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ट्राई करिएगा। वैसे तो ये इन बहुत ज़्यादा ये स्टाइल आम ही है, इन है सब लोग पहनते। तो जी यहाँ हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो जो मैं आपको कुर्ती दिखा रही थी, अभी मैंने इसको प्रेस नहीं की है, लेकिन आप ये देख सकते हैं मैंने इसके यहाँ जॉइंट पे भी बेल लगाई है, इस तरह यहाँ चुन दिए हैं, और ये इसकी स्लिप पे भी बेल लगाई है। अम्ब्रेला आस्तीन ने बनाई है, वो इसका नेक है, ठीक है, इसका दामन,
और इसका अच्छा खासा ये घेर बना है, घेर इतना कम भी नहीं है, देख सकते हैं आप। इसके घेर पे भी मैंने ये बेल लगाई है, तो सेम ऐसे फ्रंट बैक पे भी बेल लगाई है, सेम ऐसी ये डिज़ाइन। ठीक है, इसका बैग आपको बल्कि मैं दिखा देती हूँ। तो जी ये है इसका बैग, और इसके बैग पे ये बड़ा सा इस तरह डिज़ाइन आ रहा है, और इसके बैग पे भी मैंने ये डिज़ाइन दिया है, देख सकते हैं आप। और इसकी स्लिप, बैग का गला सिंपल बनाया है, और बेल जो है ना मैंने बैग के ये दामन पे भी लगाई है, पूरे घेर पे लगाई है ये वाली बेल। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कुर्ती आज की कैसी लगी। तो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा।